सेमेस्टर फोर के अंतर्गत जो मैथ ऑनर्स लिए हैं उनके लिए हम पिछले कुछ वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम को देखते हुए डाल रहे हैं। आज उसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज लेके आए हैं सेमेस्टर फोर का कोर 10 पेपर 10 या इसको 4.3 यानी सेमेस्टर फोर का पेपर 3 बोल सकते हैं। सेमेस्टर फोर का पेपर 3 के अंतर्गत पढ़ना रिंग थ्योरी। ये एक रिड्यूस सिलेबस जो इस बार नया किया गया है उस पर बनाया गया है। पिछले बार जो था है ना उसी को हम क्या करते हैं कि आज क्वेश्चन जो है ये रिड्यूस सिलेबस जो है जो जो पॉइंट इस बार पढ़ना था उससे डाला गया है और इसका जो एंसर जो है वीडियो को देखते हुए आप लास्ट एंड स्क्रीन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा आंसर। उसमें कुछ खोजना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि दो तरह का प्लेलिस्ट देते हैं आपको है ना, एक लॉन्ग टाइप होता है एक शॉर्ट टाइप होता है ना, तो उसमें से खोज करके आप इसको बना सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन केवल दे रहे हैं क्योंकि आंसर जो इसका होता है अपना अपना स्टूडेंट अपने अपने तरीका देता है, इसलिए डायरेक्ट हम आंसर यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। ताकि लोगों का शिकायत था कि आप आंसर दिए इस तरह से, लोग कुछ और तरह के आंसर बनाते क्योंकि लॉजिकल है ना, तो अपना अपना तरीका बनाने का इसका आंसर है। तो आज देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं रिंग थ्योरी के अंतर्गत है ना, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन ले जा रहे हैं यह शॉर्ट टाइप्स है ना, इसे ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं आप। डिफाइंड सब रिंग एंड कंडीशन ऑफ सब रिंग, जैसी रिंग डिफाइन किए तो उसमें कंडीशन आता है कि कौन सा कंडीशन फॉलो करने से सब रिंग होगा, उसको भी लिखना आपको। डिफाइंड रिंग विथ जीरो डिवाइजर, डिफाइन रिंग विथ जीरो डिवाइजर है ना, एक होता है रिंग विथ जीरो डिवाइजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना, और थोड़ा का ही बहुत अंतर है। वो होता है जीरो डिवाइजर है और विदाउट जीरो डिवाइजर है, दोनों में आपको डिफिनेशन दो दो लाइन का है लिख देना है आपको। डिफाइन इंटीग्रल डोमेन एंड गिव एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए है ना जो इंटीग्रल डोमेन को फॉलो करता हो और डिफाइन कर दिए इंटीग्रल डोमेन को। कहता इन ए रिंग आर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है ना, ये प्रॉपर्टी दे दिए हैं, ये प्रॉपर्टी जाता है हमेशा एग्जाम में है ना, तीन प्रॉपर्टीज हम दिए हैं और भी प्रॉपर्टीज होता है लेकिन तीन यहाँ पर डाला गया है ना, ए इंटू जीरो बराबर जीरो इंटू ए बराबर कितना जीरो है, जीरो क्या है रिंग है, जीरो बिलोंग टू क्या रिंग एक एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, आर से जो भी एलिमेंट उठाया जाए जीरो से है ना मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है जीरो ही दे रहा है आपको। ये प्रॉपर्टीज है किसका रिंग थ्योरी का, और तीनों प्रॉपर्टीज आप कर लीजिएगा ताकि एक एग्जाम में आपका आ जाए। फाइव नंबर है कि डिफाइंड आइडियल ऑफ ए रिंग, इसमें लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल पढ़े होंगे दोनों डिफाइन कर दीजिएगा ना। डिफाइंड ए फील्ड है ना, फील्ड को डिफाइन करने के लिए बहुत सारा सिस्टम है लेकिन आप रिंग थ्योरी को लेते हुए फील्ड को आप डिफाइन कर सकते हैं है ना, तो पर्सनल एक फील्ड के भी डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट में। अब डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग है ना, रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब प्रूव डैट जीरो ऑफ रिंग आर इज यूनिक है ना, जीरो जो है आर के लिए क्या होता है एक यूनिक होता है आर में है ना, वह प्रूव करना है। मालिक एक दो जीरो मानते हैं जीरो जीरो डैश और दोनों क्या इक्वल हो जाए तो क्या समझेंगे कि यूनिक है। प्रूव डैट है ना, एक प्रॉपर्टीज में आता है तरह से एडिशन चाहे एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए रिंग आर इज यूनिक, एडिटिव इनवर्स भी क्या होता है यूनिक होता है। जैसे मान लीजिए ए रिंग में बिलोंग करेगा तो माइनस ए भी क्या हुआ रिंग में बिलोंग करेगा, तो माइनस ए क्या है एडिटिव इनवर्स किसका ए का। डिफाइन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग है ना, और कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दीजिएगा। फिर कहता है इलेवन में डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग एंड डिफाइंड प्रिंसिपल आइडियल एंड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है ना, दोनों को डिफाइन कर देना आपको। डिफाइंड प्राइम एंड मैक्सिमम आइडियल, प्राइम और मैक्सिमम आइडियल क्या है उसके बारे में आपको डिफाइन कर देना है ना। तो छोटा छोटा डिफिनेशन एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए है ना, और मान लीजिए कंडीशन जो होता है जो देखिए वो कि कोई भी डिफिनेशन का एक अपना कंडीशन होता है, कंडीशन के थ्रू ऑब्जेक्टिव बनता है आपका। डिफाइंड क्यूसेंट रिंग या फैक्टर रिंग, बहुत लोग फैक्टर रिंग बोलता है क्यूसेंट रिंग बोलता है इसको, इसको डिफाइन करना है।
डिफाइन रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल को डिफाइन करना है ना। फिर कहता है डिफाइन पॉलीनोमियल रिंग एंड डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, केवल डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल दिखाएगा तो पॉलीनोमियल रिंग अपने आप होता है, पॉलीनोमियल रिंग रहेगा तभी आप डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल दिखा सकते हो इसको ना, तो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर देना है। ये हम आपको 16 क्वेश्चन इसमें बताएं है ना। टोटल एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन पूछता है, देखिए इसमें 4 क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि 20 क्वेश्चन हो जाएगा, 20 में से आपका 10 आ सकता है ना, अगर इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो। देखिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन लिए हैं जो बोलता है कि डिफाइन पॉलीनोमियल ओवर ए फील्ड। देखिए कि डिफाइन पॉलीनोमियल रिंग होता है इसे, तो पॉलीनोमियल ओवर ए फील्ड यानी पॉलीनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड, और ऐसे भी हो सकता है कि डिफाइंड पॉलीनोमियल ओवर ए फील्ड या डिफाइंड पॉलीनोमियल ओवर ए इंटीग्रल डोमेन, ना डिफाइंड पॉलीनोमियल ओवर ए कमोटेटिव रिंग है ना, एक अलग अलग डिफिनेशन नहीं बल्कि एक कंडीशन है जिसके तहत सब डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है आपका। डिफाइंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन UFD है ना, और डिफाइंड यूक्लिडियन रिंग बोलिए चाहे यूक्लिडियन डोमेन बोलिए, डिफाइन करने के लिए आता है एग्जाम में हमेशा है ना। ठीक आता है डिफाइन डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलीनोमियल ओवर ए फील्ड है ना, फील्ड लिख दें उसका इंटीग्रल डोमेन कर दें है ना, कोई खास अंतर नहीं पड़ता, एक कंडीशन होता है उसी के तहत फील्ड भी होता है और इंटीग्रल डोमेन भी होता है ना। और यह जो है वीडियो के लास्ट में एक लिंक दिया जाएगा, उसमें जो है पहले जो था कि रिंग थ्योरी के साथ लीनियर अलजेब्रा भी जोड़ा गया था, अब लीनियर अलजेब्रा को हटा करके है ना प्योर रिंग थ्योरी रखा गया है जिसके अंतर्गत रिंग थ्योरी भी है, पॉलीनोमियल रिंग भी है, सब आपको पढ़ना है। तो हम नए सिलेबस को देखते हुए है ना एक नए टॉपिक को लेते हुए आपको यह डिस्कस किए हैं, जबकि इसके पहले जो पढ़ना था है ना कुछ ज़्यादा पढ़ना था, वो चैप्टर को हटा करके उसकी जगह पर पॉलीनोमियल रिंग लाया गया आपका है ना। तो यह ध्यान दीजिएगा सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके एग्ज़ाम के लिए, और फिर नेक्स्ट इसमें हम कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे है ना। और भी बता दें कि और भी कुछ डाउट रहता है तो इसको इस चैनल पर है ना जा करके प्ले लिस्ट में आप है ना चैनल को सर्च करके खोज भी सकते हैं आप, बहुत सारा आपका काम के लायक वीडियो मिल जाएंगे इस पर आपको, जो आपको हेल्प हो सके एग्ज़ाम में। फिर मिलेंगे इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ।